हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा में और वर्कला सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे वर्कला में बजट स्टे ऑप्शंस के बारे में। तो मेरा जो स्टे था वर्कला में वो था मूनवेव बीच रिसोर्ट में, तो इसके बारे में तो मैं आपको पूरे डिटेल में जानकारी दे ही दूंगा, साथ में एक रूम टूर और यहाँ पर क्या क्या अमेनिटीज अवेलेबल है और यहाँ के क्या फीचर्स है, क्या कॉस्टिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसी एरिया में इसी रेंज के और भी कुछ बजटेड होटल ऑप्शंस बता दूंगा, ताकि अगर आप वर्कला के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इन सब होटल्स में से कोई भी एक बजट होटल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फिर वर्कला में बजट स्टे रिलेटेड पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वर्कला में ये था हमारा बजट स्टे ऑप्शन जो है मूनवेव बीच रिसोर्ट। तो वर्कला में स्टे के लिए जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है ये वर्कला बीच और ये जो वर्कला का नॉर्थ क्लिफ है इसके ऊपर का एरिया जो मैं आपको येलो कलर के हाइलाइटेड एरिया में दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली वर्कला क्लिफ के पीछे का एरिया है जहाँ से आपको वर्कला क्लिफ या वर्कला बीच काफ़ी एक्सेसिबल रहता है। एट द सेम टाइम मैं आपको पीछे के एरिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सामने जो बीच रिसॉर्ट्स वगैरह होते हैं, जो बीच व्यू फेसिंग होते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। सो इफ यू वांट टू गो फॉर दोज टाइप ऑफ बीच रिसॉर्ट्स, आपको मैंने वर्कला नॉर्थ क्लिफ टूर के इस पर्टिकुलर वीडियो में ये पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कौन कौन से होटल्स वगैरह अवेलेबल है बीच व्यू में। और अगर आपको बजटेड ऑप्शन चाहिए तो ये जो येलो कलर के हाइलाइटेड एरिया है इस एरिया में अगर आप स्टे ऑप्शंस देखते हैं तो आपको बजटेड एज वेल एज एक्सेसिबल एरिया में एक अच्छा स्टे ऑप्शन मिल सकता है। तो हमारा जो रिसॉर्ट था वो है मूनवेव बीच रिसॉर्ट, जो आप देख सकते हैं इस मैप पर, मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जो क्लिफ और जो बीच वाला एरिया है वो जस्ट 100 मीटर के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट फॉर बजट स्टे इन वर्कला। और चलिए फिर इसके जो बाकी अमेनिटीज हैं और बाकी जो डिटेल्स वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इन्हें कांटेक्ट करके आप इनसे डायरेक्ट प्राइसिंग ले सकते हैं। जो प्राइसिंग है वो एज पर सीजन या फिर एज पर वीकेंड्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, सो यू हैव टू गेट द एग्जैक्ट प्राइसिंग एज पर द सीजन। सो ये है इनका मेन एंट्रेंस। ये है इनका मेन रिसेप्शन एरिया। इनिशियली ग्राउंड फ्लोर में आपको कुछ रूम्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत सिटिंग एरिया के साथ, एंड दे ऑपरेट दिस सर्फिंग क्लासेस ऑल्सो। सो आप अगर सर्फिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ आपको कुछ इंडोर प्लेइंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और ये है इनका टी, कॉफ़ी, वाटर वगैरह अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है टी वगैरह। इफ यू वांट टू मेक, यहाँ पे आपको यहाँ पे केटल वगैरह रखा हुआ है, यू कैन जस्ट मेक योर ओन टी एंड देन यू कैन जस्ट एन्जॉय दैट। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, जो हमारा रूम है वही मैं दिखा देता हूँ। सो दैट विल बी द बजटेड रूम ऑप्शंस इन दिस। लेकिन इस पर्टिकुलर मूनवेव होटल से पहले मैं आपको इसी एरिया में जो और बजटेड होटल्स हैं उनके भी थोड़े बहुत लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ। तो इसमें जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था मेरे ट्रैवल के दौरान, इसमें एक ऑप्शन था ये पंचवरी आयुर्वेदिक बीच रिसॉर्ट, ये साउथ क्लिफ एरिया में आता है। तो इस पर्टिकुलर रिसॉर्ट का अगर आप प्राइस देखें तो ये है 882 रुपीस प्लस 200 रुपया टैक्स लगता है, तो लगभग 1100 रुपये के आसपास इसका पर नाइट कॉस्ट हो जाता है फॉर 2 पर्सन। सो ये एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज 7 स्टार रेसिडेंसी,
तो ये नॉर्थ क्लिफ वाले एरिया में आता है और इसका अगर आप कॉस्ट देखें पर नाइट फॉर टू पर्सन इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1051 रुपीज प्लस 239 रुपीज, मतलब ये भी 1200 से 1300 रुपये के आसपास कॉस्ट आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन इन द नॉर्थ क्लिफ एरिया, बैक साइड ऑफ द नॉर्थ क्लिफ। देन इसके बाद अगर आप एज ए सोलो ट्रैवलर या फिर एज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते हैं दो या चार लोग, एंड इफ यू वांट टू स्टे इन अ हॉस्टल काइंड ऑफ थिंग, देन एक अच्छा ऑप्शन है द लॉस्ट हॉस्टल। दो लोगों के लिए ये 974 रुपीज़ प्लस 204 रुपीज़, मतलब 1100 रुपया दिखा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पर पर्सन ये आ जाता है 500 से 550 रुपये के आसपास। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फॉर दोज हु आर सर्चिंग फॉर हॉस्टल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्टिकुलर हॉस्टल एकदम नॉर्थ क्लिफ में बीच फेसिंग लोकेशन पर है, और दूसरा चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर हॉस्टल का आपको वाइब काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एमिनिटीज़ भी अवेलेबल है, जैसे किचनेट, मतलब जो किचन के सामान वगैरह है, इफ़ यू वांट टू कुक समथिंग यू कैन जस्ट कुक, यू हैव अ कॉमन लिविंग एरिया, उसके बाद बारबेक्यू के ऑप्शंस और भी बहुत सारे एमिनिटीज़ है। प्लस यहाँ आपको काफ़ी फॉरेनर्स दिख जाएंगे जो बैकपैकर्स टाइप के ट्रैवल करते हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे, सो यू कैन डू अ गुड नेटवर्किंग हेयर। सो दैट्स हाउ दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन अगर आप एज ए सोलो ट्रैवलर और एज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड एक हॉस्टल या फिर डॉर्मेट्री स्टाइल में एक बजट स्टे गुड लोकेशन में सर्च कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट यू कैन गो फॉर दिस कोरल को बीच रिसोर्ट। इसका भी आपको कॉस्ट दिख रहा होगा 1126 प्लस 256, मतलब 1300 to 1400 रुपीज पर नाइट फॉर टू पर्सन। ये भी एकदम नॉर्थ क्लिफ के बैक साइड में ही है, तो यहाँ से भी आपको जो वर्कला बीच और नॉर्थ क्लिफ वगैरह काफ़ी एक्सेसिबल है। देन नेक्स्ट इज आवर मून वेव रिसोर्ट जिसे मैंने सेलेक्ट किया था। इसका आप कॉस्ट देख सकते हैं 854 रुपीज़ प्लस 219 रुपीज़, मतलब 1070 रुपीज़ इसका कॉस्ट ऑनलाइन में दिखाया जा रहा है, विच इज फॉर 2% पर नाइट। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं बाकी जो मैं आपको दिखा रहा था कि इनके जो फर्स्ट फ्लोर में जो रूम्स है उसमें क्या क्या एमिनिटीज है, किस तरह के फीचर्स है। तो चलिए आइए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ा सा बैल्कनी है। अब चाहे तो जो भी जिनका भी रूम इधर फ्रंट फेसिंग है उनको ये बैल्कनीज मिल जाएंगे, अदरवाइज सबके रूम में अपने अपने तरफ एक एक बैल्कनीज है। तो मेरा रूम जो है एकदम एंड वाला है, सो आई विल जस्ट शो यू दैट 205। अब इसके बाद चलिए सेकेंड फ्लोर चलते हैं। सेकेंड फ्लोर में इनके बैम्बू हट्स हैं। बैम्बू हट्स का भी मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ, सो इट विल बी अ नाइस ऑप्शन इफ़ यू वांट ए बैम्बू हट स्टे। सो ये है इनका बैम्बू हट स्टे वाला एरिया। ओके, तो बैम्बू हट के अंदर का जो इंटीरियर है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पर्टिकुलरली कोई एक रूम का। सो दिस इज वन ऑफ द बैम्बू हट 304। इसके अंदर का ये है एंट्रेंस एंड दिस इज द रूम। ये इसका वॉशरूम एरिया है, ये भी काफ़ी स्पेशियस ही है, सो दिस इज द थिंग एंड दैट्स इट। रूम के अंदर तो यही है छोटा सा स्पेस, बट अगर आप बाहर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया सा सीटिंग एरिया मिल जाएगा, तो आप यहीं पर एंजॉय कर सकते हैं, नाइट में यहाँ पर चिल कर सकते हैं। एंड कभी कभी इनके जो म्यूज़िक बैंड है, इनका म्यूज़िक बैंड भी यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ बैम्बू हट। ओके, तो ये था मून वेव रिसोर्ट का एक ओवरऑल स्टे ऑप्शन। अगर आप वर्कला का विजिट करते हैं और एक बजट स्टे का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। मुझे ये डायरेक्टली मैंने बुक किया था, सो 3% एंड 1 किड मुझे इन्होंने ऑफर में डिस्काउंट में 1100 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से दिया था, तो मैंने 4 नाइट का स्टे लिया था।
और अगर आप एज ए कपल आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 700-800 इस रेंज में आ जाता है। और जो ये बैम्बू हट्स वगैरह है ये थोड़े और कॉस्टलियर होते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट अ स्टे रेंज और अ बजट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टे। और इसके अलावा यहाँ पर एक मेन एडवांटेज ये है कि जस्ट क्लिफ का जो सेंटर लोकेशन है ये एकदम पास है यहाँ से, और यहाँ से बाकी और चीज़ें भी काफ़ी एक्सेसिबल है, ऑलमोस्ट सेंटर लोकेशन में है। अगर आप मैप में देखें इस लोकेशन को तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। सो इस तरह से एक बजट स्टे के लिए आप इस टाइप का मून वेव रिसॉर्ट टाइप एक स्टे ऑप्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी स्टे से रिलेटेड अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन को क्लिक करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी वर्खला सीरीज़ के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।